हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों आज मेरे पास आई हुई है BS6 बजाज प्लेटिना एक्सप्रेस एज गियर। इस गाड़ी में तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हैं। इस गाड़ी में सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, इस गाड़ी का मीटर दूसरे गियर की पोजीशन नहीं दिखा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको गियर की पोजीशन शो होती है आपकी गाड़ी कौन से गियर में है, लेकिन इसका मीटर दूसरे गियर की पोजीशन नहीं दिखा रहा है। मैं आपको इसके सारे गियर चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हो गाड़ी इस टाइम न्यूट्रल है, ये है इसका पहला गियर। अब मैंने इसमें दूसरा गियर भी डाल दिया है, लेकिन इसका मीटर दूसरे गियर की पोजीशन नहीं दिखा रहा है। दूसरा गियर डालने के बाद भी इसका मीटर पहला ही गियर दिखा रहा है। यह है इसका तीसरा गियर, चौथा एज गियर। दोस्तों इसका मीटर दूसरे गियर की पोजीशन नहीं दिखा रहा है, पहले के बाद डायरेक्ट तीसरे गियर की पोजीशन दिखा रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो इस गाड़ी में ये है। दोस्तों अब इस गाड़ी में जो दूसरी प्रॉब्लम है, इसका मीटर फ्यूल इंडिकेटर नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हो इसके मीटर में आपको फ्यूल इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसका फ्यूल इंडिकेटर फ्यूल नहीं दिखा रहा है। गाड़ी में पेट्रोल भी काफ़ी है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हो गाड़ी में पेट्रोल भी काफ़ी है, लेकिन इसका फ्यूल इंडिकेटर फ्यूल ज़ीरो दिखा रहा है। दोस्तों अब इस गाड़ी में जो तीसरी प्रॉब्लम है, इस गाड़ी का सेल्फ भी काम नहीं कर रहा है। गाड़ी सेल्फ लेने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इस गाड़ी में कहाँ कमी है, गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, सेल्फ, इन तीनों कमियों को मैं ठीक करूँगा। मैं आपको पूरा चेक करके दिखाऊंगा गाड़ी में कहाँ कमी है। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहो। दोस्तों मैंने इस गाड़ी को पूरा कम्प्लीटली चेकआउट कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। दोस्तों इस गाड़ी में सेल्फ की जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये हैं इसके सेल्फ के वायर, ये सेल्फ की रिले से आते हैं, ये वायर कट गए थे। इस गाड़ी में चूहे घुस गए थे, चूहों ने इसकी जगह जगह से वायरिंग काट दी। मैं आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, इसका मीटर दूसरे गियर की पोजीशन क्यों नहीं दिखा रहा है और फ्यूल इंडिकेटर फ्यूल क्यों नहीं दिखा रहा है। पहले मैं आपको सेल्फ को ठीक करके दिखा देता हूं। अब मैं आपको सेल्फ को चेक करा देता हूं। आप देख सकते हो सेल्फ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं गाड़ी का मीटर दूसरे गियर की पोजीशन क्यों नहीं दिखा रहा था। यहाँ पर ये वायर कटा हुआ था। अगर आपकी गाड़ी में गियर पोजीशन इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है तो आपको ये वायर चेक कर लेना है। ये गाड़ी वाले भाई काफ़ी दिन से परेशान थे। मेरे पास जब ये गाड़ी आई तो मैंने सोचा इस गाड़ी का मीटर ख़राब है, लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को पूरा कम्प्लीटली चेकआउट किया तो इसके वायर कटे हुए थे। मैंने इस वायर को अच्छी तरह से जोड़ दिया है। अब मैं आपको इसके मीटर में गियर पोजीशन इंडिकेटर को चेक करा देता हूँ। मैं आपको एक एक करके सारे गियर चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हो गाड़ी इस टाइम न्यूट्रल है। यह है इसका पहला गियर, दूसरा गियर, आप देख सकते हो दूसरे गियर की पोजीशन शो हो रही है, तीसरा गियर, चौथा गियर, एज गियर। अब मैं आपको इसे न्यूट्रल करके भी दिखा देता हूँ। तो इसके मीटर में सारे गियर की पोजीशन शो हो रही है। अब मैं आपको इसकी तीसरी प्रॉब्लम, फ्यूल इंडिकेटर, इसका फ्यूल इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, इसका मीटर फ्यूल ज़ीरो दिखा रहा है। आप देख सकते हो ये हैं इसके फ्यूल गेज के वायर, ये भी चूहों ने काट दिए थे, इसी वजह से इसका मीटर फ्यूल नहीं दिखा रहा था। अब मैंने इसके सारे वायर जोड़ दिए हैं। अब मैं आपको चेक करा देता हूं। आप देख सकते हो फ्यूल इंडिकेटर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताया है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, सेल्फ, इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताया है। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे आपके यूट्यूब पर। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। गुड बाय।